चिबारी दंग श्री कृष्णी सामू श्री कृष्णी सभा श्री कृपाशा बेला बेला तुम हम आईपीएफटी का बहुत बड़ा हिस्सा आज टिपरा मोथा में ज्वाइन किया है। हमने अनकंडीशनली ये ज्वाइनिंग कराया है और हमारा लक्ष्य एक ही है कि अगर हम थानसा चाहते हैं और हमें दिल्ली से निगोशिएट करना है, अगर हमें अपने अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट करना है, तो हमें सब एक होकर एक आवाज में बात करना पड़ेगा। इसके लिए आईपीएफटी के सीनियर लीडर्स, यूथ लीडर्स, सब लोग एक होकर हमसे आज उन्होंने मर्ज किया है और आने वाले दिन में हम लोग एक संग होकर अपना ग्रेटर त्रिपुरा का मूवमेंट को और आगे ले जाएंगे। किसी के खिलाफ नहीं ले जाएंगे, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए बात करेंगे। सर, कितने लोग ज्वाइन किया है आज? अनाउंसमेंट हुआ है कि ऑलमोस्ट 1898 ऑलमोस्ट 1900 परिवार ने ज्वाइन किया, 8000 लोग ने ज्वाइन किया। सर 1898 फैमिलीज का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन। आईपीएफटी का मिनिस्टर मेबर कुमार जमातिया, वो मिनिस्टर नहीं, एक्स मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर है। अभी क्या ज्वाइन करने वाला है आप? नहीं, अभी तक तो वो, जब तक वो आईपीएफटी में एमएलए है, कोई भी आईपीएफटी में जब तक एमएलए है तब तक वो हमारे संग नहीं ज्वाइन कर सकते। जब वो सरकार से अपना समर्थन हटाएंगे तभी हम उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी हो। जब तक वो सरकार में बैठे हैं हमारे संग और सरकार हमारा डिमांड को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, हम किसी को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। आपके साथ की बातचीत हुआ क्या? हमारा सबसे बात होता है, आईपीएफटी के एमएलए से भी बात होता है, बीजेपी के एमएलए से भी बात होता है, सीपीएम के एमएलए से भी बात होता है, कांग्रेस के लीडर से भी बात होता है। लेकिन हमारा पोजीशन क्लियर है कि आप जब तक हमारा डिमांड को राइटिंग में नहीं मानोगे और जब तक आप गवर्नमेंट में बैठेंगे और हमारा डिमांड को नहीं आप उठाओगे, तब तक त्रिपुरा मोथा में आपका जगह नहीं है। जिस दिन आपको आना है आपको ये राइटिंग में देना पड़ेगा और गवर्नमेंट का समर्थन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक उन्होंने इंडिकेट नहीं किया है कि वो हमारे संघ है या हमारे अगेंस्ट। ये सेकंड पोजीशन एक महीने पहले किसी को नहीं लगता था कि त्रिपुरा मोथा का कैंडिडेट भी दे सकेगा, आज हम लोग सेकंड पोजीशन में आए हैं, वो भी 15 दिन के प्रिपरेशन में। अगर हम लोग ने ऐसे ही करके आगे भी जनरल सीट्स में 20 सीट्स के बाहर हमने वैसे ही प्रिपरेशन किया, तो मैं आशा करता हूँ कि जनरल सीट्स के बाहर भी हम 5 से 6 सीट जीतेंगे। और ये हमारा चैलेंज है, क्योंकि आज हम लोग कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। बंगालीज ने हमें वोट किया है, मुसलमान ने वोट किया है, मणिपुरी ने वोट किया है, चाबागान ने वोट किया है। इसका ये मतलब है कि त्रिपुरा मोथा कोई कम्युनल पार्टी नहीं है, त्रिपुरा मोथा सबको इंक्लूड करना चाहता है और त्रिपुरा मोथा किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं छीन रहा। हम सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मांग रहे हैं, किसी का राइट को नहीं छीन रहे। हम नहीं बोल रहे कि बंगालीज को बांग्लादेश वापस भेज दो, हम सिर्फ ये बोल रहे कि ट्राइबल्स को, जो मुस्लिम्स हैं, मणिपुरी से, चाबागान वर्कर्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, बंगालीज हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्ट करो, ईडीसी के अंदर, ईडीसी के बाहर।